बृहस्पति जी, इसीलिए इतने सारे वेद पुराण हैं यहाँ पर। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है, वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। इसीलिए प्रभु संसार में इस समय संजीवनी बूटी नहीं है। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। इतने सारे ग्रंथ, देवों के गुरु है बृहस्पति जी, इसीलिए इतने सारे वेद पुराण हैं यहाँ पर। ऋषिवर, आप ही कुछ कीजिए, इनकी चेतना तो लौट ही नहीं रही है। आप धीरज धरिए, सब ठीक हो जाएगा और महाराज की चेतना शीघ्र लौट आएगी। अब बताइए कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। मैं अपने पिता के जीवन की रक्षा के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरे पिता को प्राणघातिनी शक्ति लगी है। प्राणघातिनी शक्ति? हाँ देव गुरु बृहस्पति जी, और उसका मात्र उपचार संजीवनी बूटी है, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। किंतु प्रभु, वो बूटी तो द्रोण पर्वत पर होती थी। देव गुरु बृहस्पति, आप मुझे वहाँ ले चलिए। द्रोण पर्वत तो इस समय अपने स्थान पर नहीं है, वो तो वर्षों पहले जलमग्न हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? पूरा पर्वत कैसे जलमग्न हो गया? एक समय शुक्राचार्य के शिष्य जालंधर नामक असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। पतिदेव, आप हम देवताओं के गुरु हैं, आपकी दृष्टि के सामने यह असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। इस तरह तो हम सारे देवता समाप्त हो जाएंगे। आप कुछ कीजिए देवगुरु, आप कुछ कीजिए। हे इंद्रदेव, मैं किसी भी देवता को मरने नहीं दूंगा। मैं संजीवनी बूटी की सहायता से इन सब देवताओं को जीवित कर दूंगा। जालंधर, तेरा अंत अब मेरे ही हाथों होगा। इंद्रदेव, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, अब देखते हैं कि किसका अंत किसके हाथों होता है। हे संजीवनी बूटी के वृक्षों, दुष्ट असुर जालंधर देवताओं का संहार कर रहा है। उन्हें पुनः जीवित करने के लिए मुझे आपकी आवश्यकता है, अतएव आप अनुमति प्रदान करें। संजीवनी बूटी के वृक्षों, आपको नमन। जो आपने देवताओं की सहायता के लिए ये बूटी प्रदान की है, आपको कोटि कोटि नमन। Thank you.
करता हूं, देख क्या रहे हो, जाओ और इस दुष्ट असुर जालंधर का अंत कर दो। ये क्या हो रहा है? इन देवताओं को तो मैंने मार डाला था, ये फिर कैसे जीवित हो गए? ये हो क्या रहा है? हम जिन्हें मार चुके हैं वो बार बार फिर जीवित हो रहे हैं और दैत्य गुरु की शक्ति भी समाप्त हो रही है। तो उठा है, यदि अब दोबारा यहां आया तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार देवताओं से परास्त होकर जालंधर वहां से भाग निकला। द्रोण पर्वत कैसे जल में समा गया? प्रभु, जब जालंधर वहां से भाग रहा था तब शुक्राचार्य ने उसे रोका। रुक जाओ जालंधर, कायरों की तरह मत भागो। भागू नहीं तो और क्या करूं दैत्य गुरु? आपकी दी हुई सभी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं और ये देवता मर ही नहीं रहे। मैं जिन्हें मार रहा हूं वो बार बार फिर से जीवित हो रहे हैं। वो स्वयं जीवित नहीं हो रहे हैं जालंधर, बल्कि देव गुरु बृहस्पति उन्हें संजीवनी बूटी से जीवित कर रहा है। संजीवनी? ये मिलती कहां से है दैत्य गुरु? जालंधर, संजीवनी बूटी का प्रयोग करके मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है और ये बूटी द्रोण पर्वत पर मिलती है। वो देखो, वो रहा द्रोण पर्वत। द्रोण पर्वत पर वो संजीवनी बूटी उगती है जिससे देव गुरु बृहस्पति देवताओं को पुनः जीवित कर लेता है। जालंधर, अगर द्रोण पर्वत से इस संजीवनी बूटी को समाप्त कर दिया जाए तो बृहस्पति कुछ भी नहीं कर पाएगा और देवताओं के ऊपर तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दैत्य गुरु, तो आज मैं इस संजीवनी के साथ साथ इस पूरे पर्वत को ही ध्वस्त कर दूंगा। देव गुरु बृहस्पति
इसी संजीवनी से तुमने देवताओं को जीवित किया था, किंतु आज मैं इस संजीवनी के साथ साथ पूरे पर्वत को ही ध्वस्त कर दूंगा। फिर देखता हूं कि तू कैसे देवताओं को जीवित करता है। इस प्रकार प्रभु, उस दुष्ट असुर जालंधर के कारण वो द्रोण पर्वत सदा के लिए जलमग्न हो गया। किंतु देव गुरु, द्रोण पर्वत तो अभी भी सागर में ही होगा और संजीवनी को वहां से प्राप्त किया जा सकता है। किंतु प्रभु, सागर तो बहुत विशाल है। उस अथाह सागर में ना जाने द्रोण पर्वत कहां होगा। देवगुरु, आप मुझे वो स्थान दिखाइए जहां पर द्रोण पर्वत जलमग्न हुआ था। ठीक है प्रभु, आइए। राजवैद्य, ये क्या हो रहा है महाराज के साथ? इनके शरीर की कांति समाप्त हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए, बताइए राजवैद्य जी। धीरज धरो अंजना, पुत्र केसरी ने बहुत दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। हाँ पुत्री। वैद्य जी, मेरा जी तो बहुत भयभीत हो रहा है, कुछ कीजिए वैद्य जी, कुछ कीजिए। मैंने तो हर प्रकार से प्रयास करके देख लिया है महारानी जी, किंतु महाराज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। इनकी श्वास गति तो स्थिर है,
किंतु भोजन ना करने के कारण इनका शरीर सूखता जा रहा है। मुझे तो भय है कि इनकी चेतना लौटने से पहले कहीं शरीर इनका साथ ना छोड़ दे। मुझे तो भय है कि इनकी चेतना लौटने से पहले कहीं शरीर इनका साथ ना छोड़ दे। यदि महाराज को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। शांत हो जाए महारानी, मुझे महाराज की स्थिति का ज्ञान है, आप चिंता ना करें। मैं इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा हूं। शिवरत जी। गुरुजी, महारानी, इस जड़ी बूटी के लेप को महाराज के शरीर पर लगाने से उनके शरीर की कांति बनी रहेगी। ये बूटियां महाराज के रोम छिद्रों द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और भोजन की कमी को कम कर देगी। इस प्रकार उनका शरीर सूखना बंद हो जाएगा। प्रभु, समय बीतता जा रहा है, सवा माह तक तो मैं महाराज की रक्षा कर सकता हूँ, परंतु उससे यदि एक क्षण भी अधिक बीता तो मैं अनर्थ होने से नहीं रोक पाऊंगा। प्रभु, देव गुरु बृहस्पति जी, संजीवनी बूटी इनमें से कौन सी है? ये देखिए प्रभु, ये संजीवनी बूटी का पौधा है, अब इसमें कोई जीवन शेष नहीं है। यदि किसी प्रकार से वो संजीवनी मंत्र विद्या प्राप्त हो जाए तो क्या मेरे पिता का जीवन बच सकता है? अवश्य प्रभु, अवश्य।